हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि फंगल इन्फेक्शन का क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इलाज है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के कॉजेस के बारे में। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के जो कॉजेस है, पहला नंबर पर हमारा कि अगर आप हमेशा ज़्यादातर टाइम गीले रहते हो, अगर आप वेट रहोगे तो क्या होता है, वेट होने वाले जगहों पर ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मेन दो ही चीज़ें होता है, अगर आप गीले रहते हो ज़्यादातर टाइम और अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो। मेन रीज़न है हाइजीन, हाइजीन से ही सब कुछ आता है स्किन के ऊपर और वो फिर फंगल इन्फेक्शन में फॉर्म करता है। तो बस यही दो ही रीज़न को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। एक होता है अगर आप गीले रहते हो ज़्यादातर टाइम, अगर अपना आप प्रॉपर वॉश, बॉडी वॉश नहीं करते हो, नहाते नहीं हो, दिन में दो बार मिनिमम नहाना चाहिए तब आप, और अपना अंडरवेयर यूज़ करते हो उसको अगर आप प्रॉपर वॉश नहीं करते, प्रॉपर अगर नहीं धोगे, दो दिन तीन दिन पहनोगे, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है फंगल इन्फेक्शन। तो इसके कुछ कारण, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, क्या सिम्टम देता है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रेस पे हुआ, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन का जो मेन सिम्टम्स है वो राउंड शेप में होगा। ठीक है, और राउंड शेप में थोड़ा कर्व टाइप का रहेगा और वो रेडनेस रहेगा वहाँ पर और इचिंग रहेगा साथ में, रेडनेस एंड इचिंग रहेगा और लाल हो जाएगा स्किन वहाँ पर और चकता चकता गोल गोल आपको दिखाई मिलेगा। तो वो फंगल इन्फेक्शन का मेन सिम्टम्स है, जैसा कि अभी आप अपने स्किन पर देख रहे हो। वैसे कुछ सिम्टम्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका इलाज के बारे में। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट के लिए जो ऑइंटमेंट्स आता है, केटोकोनाजोल का 2% ऑइंटमेंट आता है और बहुत सारा एजेंट है, सेटोकोनाजोल, ठीक है, और जैसे ऑरलीज मेडिसिन आता है, इट्राकोनाजोल, सेल्टाकोनाजोल, ऐसा बहुत सारा एजेंट है, मैं दो ही का नाम लिया। तो सबसे जो मुझे बेस्ट लगता है और जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो होता है इट्राकोनाजोल 100 mg, ठीक है, कैप्सूल, ये इसका ब्रांड नेम बता दे रहा हूँ, आई कैप्सूल ITMAC 100 mg, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसे मैंने इसके ऊपर रिव्यू भी करके रखा, मेरा चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसके कुछ मेडिसिन, ठीक है, आप बात करते हैं कि ये जो ITMAC कैप्सूल इसको लेना कैसे है। दोस्तों, इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है लगातार 1 महीने तक, और आप मैंने जो बोला केटोको स्टार 2% जो क्रीम आता है, जो ऑइंटमेंट आता है, उसका ब्रांड नेम है केटोकोनाजोल 2%, इसका ब्रांड नेम है क्रीम केटो स्टार। इसको रात में लगाना है सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे, आपको जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, सिर्फ ओनली नाक को लगाना है, सिर्फ सुबह साबुन या साबुन से धो लेना है मेडिकेटेड सोप से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इसका ट्रीटमेंट, तो ये अगर आप फॉलो करो दोस्तों, तो आपको बहुत ही जल्द फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा, चाहिए आपका ऑल ओवर द बॉडी में, एक्सटर्नल पार्ट पे कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।